हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हाउ टू डू 5 मिनट आई मेकअप स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी और हम सिर्फ दो ही कलर यूज करेंगे आई शेडो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैंने अपने आईब्रोज को पहले फिलअप कर दिया है पहले से ही, सो आपको अपने आईब्रोज बना देने हैं। फिर मैंने लिया है ये कंसीलर, ये है क्राइलॉन का कंसीलर आइवरी शेड में। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि यही मार्केट से जाके लेना है। कोई भी कंसीलर आजकल अपने पास तो होता ही है कंसीलर, तो वही लगाना है। ये पूरे आईलिड पे मैंने कवर कर दिया है। अब ये मेरे पास जो आई शेडो पैलेट है उसी में मेरे को ये वाइट कलर शेडो दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो वही लगा देती हूँ एज अ ट्रांजिशन पाउडर। तो अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है या ट्रांजिशन पाउडर है, आप वो भी डैप कर सकते हो। फिर मैंने लिया है ये ब्राउन कलर। अभी हम आई शेडो में आते हैं। अब मैंने लिया है ये ब्राउन कलर आई शेडो, जो कि मार्स का एक पैलेट है जो 500 की रेंज में मिलता है अमेजोन से। तो उसी पैलेट से मैंने ये मैट कलर है ब्राउन कलर का, तो इसको अपने ट्रांजिशन एरिया, ये हमारा क्रीज एरिया होता है उसको ट्रांजिशन एरिया भी हम बोलते हैं, तो वो मैंने अपने ब्लेंडिंग ब्रश से उसको हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है। इसी तरह से पहले क्या करना है, अपने को कलर लेके आउटर वी पे जैसे मैंने किया है उसी में पहले आपको डैप करके करना है। बचे हुए कलर को हमको अंदर तक ले जाना है, ना कि अंदर से हमको स्टार्ट करना है, ओके? क्योंकि अंदर वाली जो अपनी इनर आइज होती है उस पर हमको ठोकना नहीं है कलर। तो देखो मैंने क्या किया है, आउटर वी पे कलर लेके गई हूँ मैं और फिर इनर वी पे ले जा रही हूँ बचा हुआ। तो इस तरह से मेरे को थोड़ा डीप चाहिए था, तो मैंने थोड़ा और कलर पिकअप करके उसको थोड़ा ब्लेंड कर डार्क कर दिया है। तो ये मेरा हो गया। अब मैंने क्या किया है, साइड में भी थोड़ा अपर वे में गई हूँ आईब्रो की तरफ अपने आई शेडो को लेकर, क्योंकि मेरी आईज थोड़ी हुडी है तो मुझे अपलिफ्ट करनी है। फिर मैंने उसी शेडो में से, आई पैलेट शेडो में से मैंने ये ग्रीन कलर पिस्ता कलर लिया है। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे कैमरा ने मेरे को धोखा दे दिया है, लाइटिंग कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गई थी जिसकी वजह से ना ये कलर उठ के नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ मैं आपको इस फोटो भी डाल दूंगी इस वीडियो में, तो आप एक्चुअल कलर आपको दिखेगा, उठ के नहीं आ रहा है ये कलर वीडियो में। बट मैंने लिया है ये पिस्ता कलर। एक्चुअली आप कोई भी कलर ले सकते हो, इस जस्ट के मुझे पसंद आ गया था कलर और ये मेटैलिक शेड में है। कोई भी आप कलर लेते हो तो मेटैलिक शेड देखो, मेटैलिक यानी जिसमें थोड़ी सी शाइन हो, यू नो, थोड़ा सिल्क और शाइन देता है, वो कलर लो। मैंने कहाँ पे लगाया पता है ये कलर, जहाँ पे मैंने आई शेड वो नहीं लगाया है ब्राउन कलर अपना ट्रांजिशन कलर, जहाँ पे जो ब्लैंक था मेरा आई लिड मैंने पूरा ब्लैंक रखा था उसी के ऊपर मैंने यही सिर्फ यही कलर लगाया है। अब ये मैंने पूरे आई लिड पे इस तरह से लगा देना है आपको। अगर आप पास पिंक कलर का ड्रेस, आपको पिंक कलर बनना है, पिंक लगा दो, येलो लगा दो, कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे अब जहाँ मैंने ग्रीन लगाया है वहाँ पे थोड़ी हार्श लाइन या लाइन प्रॉपर नहीं है, मैंने इसी ब्रश से उसको क्लीन कर दिया है। मैंने कोई शेडो पिकअप नहीं किया है अभी, सिर्फ एक हाथ ऐसे ही घुमा दिया मैंने। फिर मैंने लिया है ये लॉरियल का पेन आईलाइनर। आप कोई भी आईलाइनर ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं आपको मार्केट जाना पड़ेगा यही लेने के लिए, कुछ भी नहीं, आप कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बता दूँ, अगर आप बिगनर हो तो आप प्लीज़ आईलाइनर के साथ ज़्यादा ना खेलें, आपको जितना जैसा आता है वैसे ही बनाएं, क्योंकि आईलाइनर बहुत करके ना अपने आई शेडो जल्दी ख़राब करता है। ख़ास करके अगर हम जल्दी में हो, हमें काम है कुछ है और उसी में हम आईलाइनर लगाने बैठ जाए तो मतलब होता ही है ख़राब उस वक्त, पता नहीं क्यों। अच्छा दूसरी थिंग आप देख सकते हो, मैंने अपने एक हाथ से है ना स्ट्रेच किया है मेरी स्किन को, मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट है, तो अगर आप स्ट्रेच करके आईलाइनर लगाओगे ना तो परफेक्ट आता है आपका आईलाइनर, लिख के लो, मतलब आप ये ट्राई ज़रूर करना। फिर मैंने लिया है मेबलिन का कोलोसॉल काजल। आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने वाटर लाइन एरिया पर लगा दिया है, इसको बोलते हैं हम वाटर लाइन एरिया। तो आप वाइट काजल भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो बहुत ट्रेंड निकला है, बट मैं अवॉइड करती हूँ, मेरे आईज़ पे ब्लैक ज़्यादा सूट करता है। फिर मैंने ये एप्लीकेटर जो हमारे स्पंज के एप्लीकेटर है जो मैंने आई लिड पे लगाया था ग्रीन कलर, वही ग्रीन कलर मैं पिकअप करके अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। आप ध्यान देना, आप एकदम लोअर लैश लाइन पे नीचे तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ लोअर लैश लाइन पे हल्के से वो ग्रीन कलर मैंने स्प्रेड कर दिया है। फिर अगर ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको ऐसे ही लुक रखना है विदाउट आई लैशेज आप ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपको आई लैशेज लगाना है पार्टीज़ है तो मैंने आई लैशेज लगा दिया है। और आप देख सकते हो बोलते बोलते 5 मिनट्स भी निकल गए और हमारा आई शेडो मेकअप रेडी हो गया। तो ये आई शेडो एक्चुअली 5 मिनट्स में हो जाता है, आप कोई भी पार्टी फंक्शन में आप जल्दी हो, आज की डे टू डे लाइफ में तो एक्चुअली बहुत फास्ट करना रहता है हमें। तो अगर आपको ये आई मेकअप अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिए,
और मैं ऐसे आई मेकअप और आई शेडोज और शॉर्ट टाइमिंग के हिसाब से मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको और भी वैराइटीज़ देखने मिल जाएगी। और अपना नोटिफिकेशन बेल ऑल रखिए, जब भी मेरे वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपको नोटिफाइड होते रहेगा। और स्टे सेफ इन योर हाउस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।